की दिल्ली की जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी वो वन ऑफ द बेस्ट एक्साइज पॉलिसी पूरे देश में थी। सैकड़ों शराब के ठेके क्यों खोले आपने? शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया? बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, शर्म करो, शर्म करो। भ्रष्टाचार पे चोट है और ये जारी रहेगी और भ्रष्टाचारी को बिल्कुल हम नहीं बख्शेंगे। दिल्ली में दिल्ली सरकार के नई आबकारी नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि ITO चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय का भी भारतीय जनता पार्टी ने घेराव किया था। आदेश गुप्ता के नेतृत्व में वो जो है आंदोलन किया गया था। आज उसी क्रम में फिर से नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ऐसा देखा जा रहा है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ अपोजिशन लीडर रामवीर सिंह भदौड़ी, साथ ही वो तमाम दिल्ली के MLA जो दिल्ली सरकार में MLA हैं यहाँ पे मौजूद हैं और ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आज मेमोरेंडम देने आए हैं अरविंद केजरीवाल को और उनसे मांग कर रहे हैं कि जो ये भ्रष्ट मंत्री हैं सतीन जैन और साथ ही मनीष सिसोदिया, जिनको चीफ सेक्रेटरी ने भी नोटिस दिया, चीफ सेक्रेटरी ने भी ये कहा कि इनका जो है कहीं ना कहीं ये नई शराब नीति में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उनमें इनका हाथ है, उसको लेकर के इनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। तमाम वो विधायक और प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे सीधे बातचीत करने का कोशिश करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है और वो क्या मांग करते हैं। देखिए, सबको पता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार करने के लिए हजारों करोड़ों रुपये का शराब माफियाओं के साथ मिलकर अवैध तरीके से फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये नई शराब नीति लाए थे, और नई शराब नीति का मतलब है कि शराब माफिया और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार मिलकर हजारों करोड़ रुपए दिल्ली की जनता का इन्होंने गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है। जो पैसा दिल्ली के हित के लिए लगना चाहिए था वो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ने के नाम पर शराब माफियाओं से मिलकर वहाँ पैसे को बहाया है पानी की तरह, शराब माफिया की मदद से उन्होंने चुनाव लड़ा है। और इसीलिए वही समय था, चुनाव से पहले उन्होंने आनंद पानन में दिल्ली को बर्बाद करने वाली विनाशकारी नीति को लाए, और अब जब उन पर सीधे जाँच हो रही है, सीबीआई जाँच का भी डर है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए, काले कारनामे किए, सब उनको पता है। अब वो जब वापस ली है उन्होंने शराब नीति, ये स्पष्ट हो गया है कि इसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार था और उसके मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया हैं, उसके मास्टरमाइंड के जो मंत्री एक जेल में सत्येंद्र जैन और उनके जो सहयोगी कैलाश गहलोत जो उस कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने नई शराब नीति के ड्राफ्ट पर साइन किए थे। ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए, इस मांग को लेकर हम लोग हैं। और अब जब ये पॉलिसी को 2 महीने के लिए एक्सटेंड करिए, इनकी बेहयाई देखिए, इन्होंने घोषणा कर दी कि हम वापस ले रहे और उसके बाद 2 महीने फिर इन्होंने बढ़ा दिए। इसका मतलब है इनको रोकने, इनको शराब की नई नीति लाने में पैसे चाहिए और शराब की नई नीति को अब रोकने के लिए भी पैसे चाहिए। कहीं मनीष सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया है भाजपा पर कि जिस प्रकार से गुजरात में भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, इसलिए शराब नीति को आने नहीं दे रही, नई शराब नीति से इनको चिढ़ है। देखिए, शराब नीति 7 साल से पुरानी थी, कितने लोग मरे, कौन जिम्मेदार है? अगर कोई यहाँ गलत शराब बिकती है कौन जिम्मेदार है? लेकिन ये सरासर झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी वो वन ऑफ द बेस्ट एक्साइज पॉलिसी पूरे देश में थी, जिसको कई प्रदेशों ने अपने यहाँ लागू किया, जिसमें बेईमानी की गुंजाइश बहुत ना के बराबर थी। इसलिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं या उप मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं वो सरासर गलत थी। उस एक्साइज पॉलिसी में 7 वर्ष इन्होंने वो चलाई है, और अगर उसमें बेईमानी की है तो उसकी भी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। आज जो है यहाँ पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री जो है सतीन जैन के बर्खास्तगी को मांग को लेकर आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि जो नई शराब नीति है उसमें घोटाला हुआ है, उसकी जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, दिल्ली के ऑनरेबल LG ने आदेश दे दिए हैं। हम ऑनरेबल LG के इस फैसले का स्वागत करते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग करते हैं कि वो तुरंत अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उनके पद से हटाएं, क्योंकि उन्हीं के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि इस घोटाले में कहीं ना कहीं
मौजूदा अर्थ है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं मनीष सिसोदिया, वो तो ये लगातार दावा कर रहे हैं और आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आबकारी विभागों को, लाइसेंसधारियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए लगातार सीबीआई का उपयोग कर रही है। अरे भैया, ये तो अभी 2-3 दिन पहले सीबीआई ने जांच शुरू, अभी तो करीब ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अगर मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके जहाँ शराब के ठेके खुल ही नहीं सकते हैं, हमारे नियम हमको अनुमति नहीं देते हैं, यदि आप वहाँ शराब के ठेके खोलेंगे तो क्या उनको फिर बंद नहीं किया जाएगा? क्या आप शराब के ठेके जहाँ नियम आपको परमिट करते हैं आप खोलिए, सीबीआई ईडी क्या करेगी उसमें? यदि आप नियमों का उल्लंघन करके शराब के ठेके खोल रहे हैं तो कार्रवाई तो होगी होगी। और आपने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया और दिल्ली में 20,000 करोड़ से ज़्यादा की शराब बेची जाती है, तो आपने कितना भारी फायदा शराब के ठेकेदारों को पहुंचाया है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। विदुरी जी, आप एक बड़े अपोजिशन के लीडर माने जाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, तो जिस प्रकार से आज आप लोग बर्खास्तगी को मांग कर लेकर आए हैं, मेमोरेंडम सौंपने वाले थे आप सीएम को, लेकिन सीएम यहाँ पे है नहीं, अब किसको मेमोरेंडम देंगे, क्या प्रक्रिया? ये 10 दिन से हम टाइम मांग रहे थे, कल उन्हीं के स्टाफ ने कहा कि 1 बजे में आ जाइए और आपका मेमोरेंडम लिया जाएगा। अब यहाँ हम आए हैं तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बाहर चले गए, कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है। अरे भाई, जब भाजपा के सभी 8 विधायक आए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता आए हैं ज्ञापन देने के लिए, तो उनको यहाँ उपस्थित रहना चाहिए, हमारा मेमोरेंडम लेना चाहिए, हमसे बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल, और जिस प्रकार से ऐसा भी मानक है कि ये लगातार दावा कर रहे हैं कि गुजरात में जैसे जिस प्रकार जहरीली शराब से लोगों का मौत हुआ, तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा इसको नज़रअंदाज कर रही है, केवल दिल्ली की शराब नीति पर क्यों बात कर रही है? अरे भैया, वो दिल्ली की बात करें ना, वो ये बताएं कि जो शराब के ठेकेदारों को दिए हैं उसमें जो 1,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, जिसको चीफ सेक्रेटरी ने भी स्वीकार किया है, उस पर जवाब दें ना। वो जवाब दें कि मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके आपने सैकड़ों शराब के ठेके क्यों खोले? आपने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया? इसका जवाब दें ना। वो सर, आज जो है यहाँ पे दिल्ली के मंत्री सतीन जैन और साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे आज भाजपा के तमाम वो विधायक और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है शराब नीति के नाम पे, और जिसमें सैकड़ों करोड़ का गबन हुआ है, और उसका नतीजा ये हुआ कि शराब नीति वापस ले ली और सरकार ने एक नीति लागू की और 6 महीने के अंदर अंदर उसको वापस लेने की बात की, और फिर उसके बाद 2 महीने फिर एक्सटेंड करने, यानी कि पूरा घालमेल और गोलमाल सामने दिखाई दे रहा है, और जिसके कारण इस सरकार का पर्दाफाश हो गया, भ्रष्टाचार में रंगे हाथ पकड़े गए, और अब मंत्रियों को पर कोई कार्रवाई ना करना, ये साफ दर्शाता है कि इसमें केजरीवाल खुद शामिल हैं इस भ्रष्टाचार में। सरकार से मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस नई शराब नीति को बढ़ावा नहीं दे रही है या इसलिए इस पे विरोध कर रही है ताकि वो देश को तमाम उन मुद्दों से भटका रही है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो है जिस प्रकार से गुजरात में भी शराब के वजह से मौत हुआ, जहरीली शराब की वजह से, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा कि जहाँ भाजपा की सरकार है, जहाँ शराबबंदी है, वहाँ इनका ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए, किसानी बिल्ली खम्बा नोचे, खुद अपनी नीति वापस ले ली, भ्रष्टाचार में साफ रूप से पकड़े गए, और अब वो कहते ना कि जो इस सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका भ्रष्टाचार एक के बाद एक, अभी पीछे 5,000 करोड़ का इनका डीटीसी बस खरीद स्कैम पकड़ा गया, तो इन्होंने वो बसों की सप्लाई पे रोक लगा दी जिसकी सीबीआई जांच कर रही है, तो एक के बाद एक घपले सरकार में हो रहे हैं और मंत्री पकड़े जा रहे हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के भी और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के दोनों ही जेल में है, तो ये ईमानदारी का कौन सी परिभाषा है जो सत्ता में ये कहकर आए, पार्टी ये कहकर बनाई कि हम भ्रष्टाचारियों, तब तो सूची जारी करते थे केजरीवाल जी बिना सबूत, बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी आरोप के, और अब आरोप भी है, मुद्दा भी है और घपला भी हुआ है, तो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विधायक जी, आज आप लोग जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और साथ ही मंत्री सत्यन जैन, जो कि पहले से ही जेल में हैं, उनके बर्खास्तगी को मांग को लेकर आप यहाँ सीएम आवास के बाहर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहें?
निश्चित रूप से दोनों मंत्रियों की बर्खास्तगी तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले, कट्टर ईमानदार बताने वाले भ्रष्ट मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल का चेहरा दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने उजागर हो गया है। अब आप क्यों नहीं ले रहे? इतना तो कम से कम मॉरल अथॉरिटी ममता ने भी दिखाई, दीदी ने, कि उन्होंने पार्थ चटर्जी को हटा दिया, लेकिन आप उसका बचाव कर रहे हैं। उससे कम विक्टिम को भी आपने, उससे कम दोषारोपण वाले व्यक्ति को भी आपने पंजाब से हटा दिया। तो क्या कारण है कि आप सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को बचाना चाहते हैं? क्या कोई राजदारी है कि जिसके आप अगर उसके पक्ष नहीं लेंगे, उसे नहीं हटाएंगे, तो वो राज खोल देंगे, और जिसमें आपके खुद के फंसने का भय है, ऐसा हमें प्रतीत लगता है। और इसलिए हमारी स्पष्ट मांग है कि इतने संगीन आरोप के बाद, जबकि सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में हैं और मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का चार्ज है, गंभीर चार्ज है, तो आपको मंत्रिमंडल में कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। मौलिक आधार पर आपको तुरंत या तो इस्तीफा देना चाहिए या आपको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, लगातार आंदोलन कर रही है नई शराब नीति को लेकर, तो इस आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि जो आम आदमी पार्टी है इस नीति को वापस ले ली, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से दो महीने के लिए इसको लागू कर दिया, और फिर ये मतलब वापस लेने के बाद भी इन्होंने कह दिया कि दो महीने तक ये नीति लागू रहेगी, उसके बाद हटाई जाएगी। तो ये क्या मामला है सर, कि नीति को वापस लेना फिर उसको दो महीने के लिए डिटेन कर देना? दरअसल पहले इन्होंने लागू करने के नाम पर भ्रष्टाचार किया, अब इन्होंने त्वरित पहले 1 अगस्त से कह दिया कि हम ये नीति लागू नहीं रहेगी। अब शराब के जो ठेकेदार हैं वो बिलबिलाए कि उनका स्टॉक बचा रह जाएगा तो वो कहाँ लेकर जाएंगे, तो उस आड़ में फिर भ्रष्टाचार हुआ और इनको 2 महीने का समय दे दिया। इनके दोनों हाथों में अट्टू है, क्योंकि भ्रष्टाचार के दलदल में इनके हाथ और पैर दोनों सने हुए हैं। विधायक जी, आज जो है यहाँ पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और साथ ही मंत्री सत्येंद्र जैन जो पहले से ही जेल में हैं, उनकी बर्खास्तगी को मांग को लेकर आप लोग यहाँ आए हुए हैं सीएम आवास के बाहर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ ये याद कर रहा हूँ कि जब जन आंदोलन चल रहा था लोकपाल के लिए, तो केजरीवाल जी एक ही बात कहते थे कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूँगा, और कर क्या रहे हैं। अगर पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री पकड़ा जाता है तो उसको विद इन 24 आवर बर्खास्त किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री पकड़ा जा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर से जेल में है, कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है, तो भी बर्खास्त नहीं हो रहा है। तो ये दोहरा चरित्र जो केजरीवाल का साफ साफ दिख रहा है, उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि आप दोहरा चरित्र छोड़िए और जो आप कहते थे वो कीजिए। और वैसे भी दिल्ली की जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती जिसमें जेल बंद लोग मंत्री हों। दिल्ली की जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती जो लीकर पॉलिसी के नाम पे लूट मचाई हो, तो इसलिए हमें बैठना पड़ा। अच्छा, जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया ये दावा कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सीबीआई का इसलिए प्रयोग कर रही है ताकि लाइसेंसधारियों को और उन आबकारी विभाग के अधिकारियों को धमकाया जा सके, इस पर आपका क्या मत है? ऐसा है सर, सारी दुनिया पढ़ी लिखी है, अधिकारी भी आईएएस आईपीएस कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। अगर सीबीआई से धमकाने की बात होगी तो कोर्ट के दरवाजे खुले तो हैं, दो लोगों को जाने के लिए कोर्ट जाओ ना, आप रोक पे स्टे ले लो, क्या दिक्कत है? न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है क्या? ये सब केवल लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। सीबीआई अपना काम कर रही है, आप तो रोज टीवी पे देख रहे हैं, ट्रंक के ट्रंक नोट निकल रहे हैं, तो इससे बड़ा काम क्या कर सकता है ईडी और सीबीआई, जो रोज एक एक मकान भरा हुआ नोट निकाल रही है। तो भ्रष्टाचार पे चोट है और ये जारी रहेगी, और भ्रष्टाचारी को बिल्कुल हम नहीं बख्शेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। लगातार ये मांग है और आंदोलन इसलिए है कि दिल्ली सरकार के भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, साथ ही मंत्री सत्येंद्र जैन, हालांकि सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में है, लेकिन ऐसा मांग किया जा रहा है कि इनको बर्खास्त किया जाए, पार्टी से इनको बर्खास्त किया जाए, इनके मंत्री पद से इनको बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए। और इस मांग के लिए लोगों ने ये भी कहा कि हम लगातार इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी न की जाए। और लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि केजरीवाल की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार की सरकार है, और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन जेल में हैं और जेल में रहने के बावजूद जहाँ कोर्ट उन्हें बेल नहीं दे रही हो, वहाँ पर पार्टी इनको बर्खास्त नहीं कर रही है, ऐसा
क्यों हो रहा है। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से बंगाल में घोटाला हुआ, पार्थ चटर्जी को अपने मंत्री को ममता बनर्जी ने तुरंत अपने पार्टी से बर्खास्त कर दिया, उस प्रकार से दिल्ली सरकार को भी अपने मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और लगातार हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। इसीलिए आज हम सीएम केजरीवाल के पास आए हैं, उनको मेमोरेंडम सौंपने आए हैं। हालांकि केजरीवाल यहाँ पे हैं नहीं, वो गुजरात दौरे पर गए हुए हैं, तो अब देखना होगा कि ये मेमोरेंडम जो है उनके किस अधिकारियों को, यहाँ के विधायक, यहाँ के जो है प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के भाजपा से आदेश गुप्ता सौंपते हैं। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, दैनिक सुप्रीम, दिल्ली।